नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। छोटे लेक्चर आपको पसंद आ रहे हैं तो जरूर अपने मित्रों के साथ में इसको शेयर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब सीकर के अंदर विजिट किया था तो कुल 3 योजनाएं जो है इनका अनावरण किया था। तो सीकर से योजनाओं का अनाउंसमेंट हुआ और ये घोषणा कब हुई थी, 27 जुलाई 2023 को। ये डेट जो है वो आप लोग जरूर याद रखना। इसके तहत 3 योजनाएं हैं। सबसे पहली है किसान समृद्धि केंद्र, दूसरा है पीएम प्रणाम योजना और तीसरा है एकलव्य मॉडल स्कूल योजना। 3 योजनाओं का जो है वहां पर अनाउंसमेंट किया गया था। किसान समृद्धि केंद्र क्या है, जैसे आप लोगों ने सिंगल विंडो एक्ट पढ़ा होगा, एक ही छत के नीचे अगर कोई उद्योग स्थापित करना चाहता है तो एक ही छत के नीचे उसको तमाम सुविधाएं जो है अवेलेबल करवा दी जाती है। जैसे एनवायरमेंट की कोई फाइल क्लियरिंग है, अलग कोई बैंक लोन है, तमाम सुविधाएं जो है उसको एक ही छत के नीचे मिल जाती है। वैसे ही किसान को भी जो है, जैसे उसका सॉइल टेस्ट है, उसके खेत के अंदर जमीन है, मिट्टी है, उसका सॉइल टेस्ट करवाना है, बीज लेने हैं, उसको कोई सलाह लेनी है, इसके लिए किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए गए हैं। एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी और ऐसा राजस्थान के अंदर कुल केंद्र स्थापित किए जाएंगे 1.25 लाख के आसपास। ध्यान सुन रहे हैं आप लोग, 1.25 लाख केंद्र जो है वो स्थापित किए जाएंगे। इसके साथ में ही पीएम प्रणाम योजना जो कि जैविक खाद के उत्पादन पर बल देती है, इसके लिए भी जो है पीएम प्रणाम योजना शुरू की गई है। फिर है एकलव्य मॉडल स्कूल, आवासीय विद्यालय है, कुल 6 मॉडल स्कूल है जो कि उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर, 4 जिलों के अंदर स्थित है 6 मॉडल स्कूल। यही नहीं, इसके साथ में किसान सम्मान निधि जो है उसकी 14वीं किस्त जो है वो भी जारी की गई थी। किसान सम्मान निधि के तहत प्रति माह जो है वो 500 रुपए किसान के जो है खाते में जाते हैं। इससे जो है लगभग आप लोग मान सकते हैं कि 6,000 रुपए पूरे साल के अंदर उसके अकाउंट के अंदर क्रेडिट किए जाते हैं। इसके साथ में ही सल्फर कोटेड जो यूरिया गोल्ड है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। गोल्ड यानी कि यूरिया जो है वो पहले आता था नीम कोटेड, लेकिन अब जो है वो सल्फर कोटेड जो है नीम आने लगा, यानी कि जो है यूरिया आने लगा। इससे क्या होता था कि प्रॉब्लम कहां थी कि किसान जो है जिस यूरिया को खरीदता था वो सरकार के द्वारा सब्सिडाइज था, सरकार जो है उसके ऊपर सब्सिडी देती थी, लेकिन सरकार को यह पता नहीं लगता था कि उसको किसान खरीद रहा है या फिर कोई उद्योगपति खरीद रहा है। सरकार से जब भी यूरिया खरीदे जाता उसकी खपत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। बाद में पता लगा कि उद्योगपति जो है उस यूरिया को खरीद रहे थे और उसकी कोटिंग करके मार्केट में खुद के प्राइस पर बेच रहे थे, सरकार को काफी नुकसान हो रहा था। फिर उसके ऊपर नीम कोटिंग की गई ताकि उसका जो है उद्योग के अंदर प्रयोग जो है वो कम हो जाए, यानी कि वहां पर जो लागत है, वहां पर जो उपयोग आ रहा है वो कम हो जाए, वहां पर खपत कम हो जाए। और उसके बाद में नीम के बाद में अब सल्फर कोटेड यूरिया जो है वो बनाया गया है जिसका नाम है यूरिया गोल्ड। इसका नाम जरूर याद रखना। अब प्रश्न कैसे बन सकता है उसको सुनिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने सीकर के अंदर योजनाओं की घोषणा की, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है। ठीक है, तो 4 से 5 स्टेटमेंट दे सकता है, पूछेगा कि कौन सा सही नहीं है। आप लोग उस प्रश्न के लिए जरूर तैयार रहिएगा। ठीक है, छोटे लेक्चर्स हैं, आप लोगों के जहन में बहुत अच्छे से बैठ रहे होंगे। मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोग को पसंद आ रहे होंगे। सेशन को एक बार जरूर शेयर कर दीजिए, अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।